जिस वेले अल्लाह दे नबी दा दौर आवे अल्लाह गुनाह नु हुक्म दे दे गुनाह ते नबी दे नेड़े नहीं मनणा। साडे डेरे इस्माइल खान दी बोली चाहदे ना आखा दीन ते सुनावा नहु। अल्लाह करीम ने जिक्र का 18 नबी दा कीता है, जिक्र का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कीता है। मसला सानू समझाया अगर नबियां कोल शिर्क होवे दा सारे नेक अमल बर्बाद हो जाने ना। असा केरे बाप दी मूली है, फिर बंदे तू शिर्क थी गया सारी जिंदगी दे नेक अमल बर्बाद। कुरान सच्चा तहकीक करो पता लगे। फरिश्ता दा सवाल, जेड़े ईमानदार नेकियां करे दे रहे लैलतुल कद्र, कौन ईमानदार शिर्क वाले ना। अल्लाह करीम दियां सिफतां मखलूक दे अंदर मनणा लेना, अल्लाह दी इबादत अल्लाह हक मखलूक नूडे मना लेना ना। ईमानदार बंदे जेड़ी नेकियां करे दे रहन अल्लाह करीम ने कीता के उन्हां नाल। असां लैलतुल कद्र पूरी हो गई बहने उते, पर एक जिब्राईल अगर दस जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमे देना, जिब्राईल जवाब दे दे ओ फरिश्ता दी जमात अफल्लाहु अन्हुम इल्ला रबा। अल्लाह करीम ने जेरी रात दे अंदर कुरान ना से रहे हैं, ईमानदार इबादत करे दे रहे हैं, अल्लाह करीम गुजराजी करवा से जिक्र की ते तिलावत की थी नफलियां अदा की दिया, अल्लाह करीम सारे ईमानदारों को माफ कर छोड़े है, लेकिन चार बदनसीबों को अल्लाह माफ नहीं किया। रमजान शरीफ की हर इफ्तारी उते 100,000 बंदा नो अल्लाह करीम रोजाना बख्शेदा भी है, जहन्नम तो असा दी का परवाना देदा भी है। उन्हें तो बाकी अल्लाह माफ करे दे, ये 100,000 खसूसी लोग हैं। हर इफ्तारी दे टाइम ये हदीस पाक समझी बैठा कि जिस वेले आखिरी इफ्तारी होवे जितने अल्लाह करीम ने हर इफ्तारी दे माफ की देता 100,000 अल्लाह आखिरी इफ्तारी के लिए हार उन्हें दी तादाद दे बराबर बनना मुझे जहन्नम तो आजाद करे दे है। तो लैलतुल कदर दे अंदर भी अल्लाह सारे ईमानदारों की बख्शिश करे दे, लेकिन चार बदबخت लैलतुल कदर दे अंदर भी महरूम ही ना। आप सल्लम फरमाए जिब्राईल का जवाब, जिड़े वेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल की थी केरे चार बदनसीब बंदे। सहाबाए किराम आप दी गल सुनदे पैन, फरिश्ता सवाल कीते दे जिब्राईल ते चार बदबخت चार बदनसीब इस रात भी बख्शिश तो महरूम रह गए। सारे रमजान शरीफ विच चार बदबख्त बदनसीब अल्लाह दे रहमत हासिल करन तो महरूम रह गए, मगफिरत दे बख्शे तो महरूम रह गए, अल्लाह दी तरफ माफी तो महरूम रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल पे करन, सहाबाए किराम परेशान थी गए, अर्ज करन मन हम अल्लाह दे मबूक केरे चार बदनसीब बंदे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेरे चार बदनसीब बंदे रमजान शरीफ दी लैलतुल कदर दे अंदर भी बख्शिश तो महरूम रह गए, माफी तो महरूम रह गए, रहमत हुसूल तो महरूम रह गए। आपने फरमाया पहला बंदा मुदमिन खमरे दी शराब पीवण दा आदी नशे करण वाला। वेच मियां ले पोडर बनाओ लोगों को पोडरी बनाओ शराब तेजी बठी का लाओ आप पियो ते पिलाओ। सारे बंदे ईमानदार बख्शे गए, लेकिन नशा करने वाला बंदा नहीं बख्शा गया। ये ऐसा अल्लाह करीम दा मबूस ते नाराज बंदा है जिससे अल्लाह दी एडी सख्त नाराज किए। शराबी बंदा इस शराबी नु अल्लाह करीम लैलतुल कदर दी रहमत ते बख्शिश वाली रात भी माफ नहीं करे ना। होगा तुहाडा की अकीदा है? नबी सच फरमाया अल्लाह दी कसम कायनात दा निजाम दा रब हो सकदा है, अल्लाह दे महबूब दी जबान गलत नहीं हो सकदी। आप सल्लल्लाहु
ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਕੀ ਵੇਂਦਾ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਮੇ ਰੁਕੇ ਆਵੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਹਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੇ ਕਿ ਅਲਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਲਹਾਜ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਵੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਕੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਉਣ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਤਸਬੀਹ ਮੁਸੱਲਾ ਪਗੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शराब पीने वाला बंदा ही तो खुद जा पीवे चाले ईमानों की इबादत कबूल नहीं हज की तस कबूल नहीं ज़कात दीती कबूल नहीं रोजा रखा कबूल नहीं अल्लाह दे माबूद कोई कबूल थीवण दी सूरत भी है कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शराब पी दी इबादत अल्लाह ता कबूल करेदा सच्चे दिल नाल तौबा कर छोड़े मियां अली अले ड्रेवर वाली तौबा ना होवे गद्दी ते बैठा सी ते कन्ना ऊंचा पकड़ा ए मैं तुम दा 12 साल हो गए ना अपनी सवारी ते सफर करे ना जिस वेले तालिब इल्मी दौर है पैदा मैं मुख्तलिफ इलाकां च पढ़दा रिया पंजाबी दूर दराज जिस वेले बंदा कदी ते सफर करे ड्रेवर सी ते बैठे ते कम से पकड़े ते जेड़े वेले अगू ते कदी रवाना अता उल्ला बिया सी दे कोने ला छोड़े ड्रेवर वाली तौबा अल्लाह को कबूल नहीं सच्चे दिल नाल शराबी तौबा करे ता अल्लाह करीम दी इबादत कबूल करे ले सच्चे दिल नाल तौबा करन दी पहली पहली शर्त ए आके अल्लाह पिछली माफ चा कर अगो वादा करे जो दोबारा कम न करे सा जे दिल दे अंदर चोर होवे खून दे अंदर कुत्ता वज पिए पानी दे मौके कठे दे पैर मौके कठे दे गए कठे दे गए सारा खून खाली कर छड़े कुत्ता भी पिया होए जो थोड़ी कुत्ता न कटे सो ओतनी खूह का पानी पाक नहीं आना दिल विच गंदी नीयत न कटे सी बंदा अल्लाहत में शराब नहीं पीवनी जे तुनी दिल विच गंदी नीयत न कटे सी अल्लाह करीम तौबा भी कबूल नहीं करेगा पिछले दी माफी मंगे अगो सच्चे दिल नाल वादा करे जे दिल विच इरादे पड़े ते फेड़े ते गंदे होन ऐसे बंदे दी तौबा भी अल्लाह करीम नु कोई जरूरत नहीं حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے دینا پچھلی امت دے اندر ہی کلا دا نیک بندہ ہے فیضدار بندہ عابد بندہ رب العالمین دی رضا واسطے زندگی گزارن والا بندہ وقت بادشاہ نو خطرہ پے گیا ہے یہ نیک بندہ ہے مت سارے لوگوں دی توجہ اسی دے پاسے نہ ہو ونجے میری تخت واسطے اقتدار واسطے لیکن میری بادشاہی واسطے خطرہ نہ بن ونجے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮੇ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸੀਨ ਉਹ ਜਮੀਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਨਨਾ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੱਕਰ ਤੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਸੀਨ ਉਹ ਜਮੀਲ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਰੀਏ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਨਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਗਿਨਾ ਇਹ ਗਵਈਆ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦਮ ਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਗਈਏ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے دینا اللہ دا نیک بندہ ساتھ ٹر پیا ہے جس ویلے دروازے تے آیا ہے خادمہ دے نوکرانی اندر گھن کے آئی ہے اندر داخل ہوئے دروازے بند کر دیتے نے بارو تلواراں نگیاں گھن کے پارے دار کھلوتے ہوئے نا اندر کمرے دے اندر لے گئے نا سودا بندہ اندر چلا گیا ہے او دے دل وچ خیال نہیں ہفتے سال دی گواہی دیونی ہے دروازہ بند چکی تے نے کمرے دا اندر داخل ہوئے